बबल्स हिंदी छोटी रेखा। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में एक विचित्र प्रश्न प्रस्तुत किया। कोई इस रेखा को हाथ लगाए बिना उसे छोटा करके दिखा सकता है? और वहां एक रेखा खींची गई। इस रेखा को हाथ लगाए बिना ये कैसे कर सकते हैं? आज बादशाह को क्या हो गया है? उसी वक्त बीरबल वहां आया। जहांपनाह, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है बीरबल, अब इस रेखा को छोटा करके दिखाओ। बादशाह की खींची हुई रेखा के समीप बीरबल ने उससे लंबी एक और रेखा खींची और फिर देखा जहांपनाह, आपकी रेखा अब छोटी हो गई। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे नाज है। बीरबल और गायक। एक दिन अकबर के दरबार में संगीत सभा का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम खत्म होते ही वाह, कितना सुंदर संगीत था। आपकी स्वर्गीय आवाज से आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आप जो चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। वो गायक बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उस गायक ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि जैसा बर्ताव बीरबल के साथ किया जाता है वैसा ही मेरे साथ करें। अकबर ने गायक के मन को जान लिया। देखो, सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है। बीरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और उसे जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी राजकीय कुशलता के लिए है। बहुत समझाने पर भी गायक का समाधान नहीं हुआ। आखिर अकबर ने उस गायक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन अकबर ने गायक और बीरबल दोनों को बुला लिया। तुम दोनों करीबी राज्य में जाओ और ये संदेश उस राजा को देकर वापस आओ। गायक, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। बीरबल और वो गायक करीबी राज्य में गए और उन्होंने उस राजा को वो संदेश दिया। वो संदेश पढ़कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था कि वो संदेश लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए जाए। कुछ देर सोचकर राजा ने निर्णय लिया, सैनिकों, कल सुबह इन दोनों के हाथ कलम कर दो। ये बात सुनते ही वो गायक तो रोने लगा। घबराओ मत, मैं इस परिस्थिति को संभालता हूँ। कल सुबह तुम सिर्फ यही बात दोहराते रहना कि पहले मेरे हाथ काट लिए जाए, और मैं भी यही बात दोहराता रहूंगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में, महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ही हाथ पहले काटे। नहीं महाराज, नहीं, कृपया मेरे हाथ काट दीजिए। बार बार दोनों एक ही बात दोहराते रहे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों जीना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। योजना? कैसी योजना? हाँ महाराज, मेरे जहांपनाह आपका राज्य आपसे छीनना चाहते हैं। एक ज्योतिषी ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर आप दो निरपराध व्यक्तियों के हाथ काट दें तो आपका पुण्यक्षय हो जाएगा, और जिसके हाथ आप पहले काटेंगे वो राजा बन जाएगा और दूसरा आदमी मुख्य प्रधान। इसके बाद वे बहुत ही आसानी से इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया मेरे हाथ पहले काटें। क्या? क्या मैं मूर्ख हूं? मैं तुम्हारे सम्राट का नौकर नहीं हूं जो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बीरबल और गायक खुशी से वहां से लौट आए और अकबर से आकर मिले। तो गायक, क्या हम सभी को ये आदेश दे दें कि तुम्हारे साथ भी वो वही बर्ताव करें जैसा बीरबल के साथ करते हैं? नहीं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए,
बीरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो एक सिर्फ गायक हूँ, बीरबल जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो होता है भले के लिए होता है। एक दिन आम काटते समय बादशाह की उंगली कट गई। जहांपनाह, जो होता है भले के लिए ही होता है। क्या, मेरी उंगली कट गई, मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है? सैनिकों, इसे कारागृह में डाल दो। ठीक है, जो होता है भले के लिए ही होता है। दूसरे दिन बादशाह शिकार के लिए गए और वहां जंगल में रास्ता भूल गए। रास्ता खोजते हुए गलती से उन्होंने एक क्रूर आदिवासी इलाके में प्रवेश किया। वहां के आदिवासियों ने बादशाह को बंदी बना लिया। उसे लेकर आओ, हम देवता को इसकी बलि चढ़ाएंगे। सभी ने मिलकर बादशाह को पकड़कर एक खंभे से बांध दिया। अरे रुको, ये नहीं चलेगा, इसकी तो उंगली कटी हुई है। हमारे ईश्वर को इस प्रकार का बलि मंजूर नहीं होगा, जाने दो, उसे छोड़ दो। अब बादशाह की आंखें खुल गई। बीरबल ने जो भी कहा था ठीक कहा था। अपने महल लौटते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को कैद से छुड़ाने की आज्ञा दी। बीरबल, उस दिन जब तुम्हें कारागृह में डाल दिया गया, तब भी तुमने यही कहा था कि जो होता है भले के लिए होता है, ये कैसे? जहांपनाह, अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता और फिर आदिवासियों ने आपको छोड़कर मुझे बलि चढ़ाया होता। तुम्हारा कहना सही है बीरबल, जो होता है भले के लिए ही होता है। हवा महल। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उसने अपनी इच्छा अपने सारे मंत्रियों को बताई। हम एक ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो बिना किसी आधार के खड़ा हो। वह महल हवा में तैरता हुआ होना चाहिए। अब तुम हमें बताओ, ये कैसे किया जा सकता है? सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और संभ्रम में पड़ गए। तभी वहाँ पर बीरबल का आगमन हुआ। बीरबल को अकबर ने अपनी इच्छा सुनाई। अकबर की किसी भी बात को बीरबल ना नहीं कहता था। जहांपनाह, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिए और बहुत सारा समय भी। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम कल से शुरू कर दो। अगले दिन बीरबल ने अपने नौकरों को 100 तोते लाने के लिए कहा, जो उसने अपनी बेटी को दे दिए। बेटी, इन तोतों को तुम्हें कुछ बोलना सिखाना होगा, जैसे कि पानी लेकर आओ, ईंटे लेकर आओ। चलो चलो, जल्दी करो, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो। उसने अपने पिता की बात मान ली और अगले कुछ ही महीनों तक वो उस तोतों को सिखाती रही। एक दिन अचानक अकबर को अपने तैरते हुए महल की याद आई। तुरंत उसने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, हमारे हवा महल का क्या हुआ, काम कहां तक पहुंचा है? जहांपनाह, काम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, हम उसे देखना चाहते हैं। जरूर जहांपनाह, हम कल चलेंगे। अगले दिन बीरबल ने एक बहुत बड़ी बन जगह पर उन तोतों को खुला छोड़ दिया। अकबर जब उस जगह पर आया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पानी लेकर आओ, ईंटे लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। पानी लेकर आओ, ईंटे लाओ, चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। यही वाक्य दोहराते हुए तोते यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। ये सब देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बीरबल की ओर मुड़ा और उसने पूछा, ये क्या बीरबल, महल कहाँ है? जहांपनाह, ये महल तो हवा में बन रहा है और हवा से बन रहा है, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते। बहुत खूब बीरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। बबल्स हिंदी।